हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल में। अभी हमारे पास द न्यू सैमसंग गैलेक्सी F51, तो अभी करेंगे इसका रिव्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आपका देसी बॉय। हाँ जी, तो आप लोगों के पास एक सवाल है मेरे को मालूम, और मेरे पास उसका जवाब भी है। अब क्वेश्चन नीज के कान थे भाई, इतने दिन से कान थे, वीडियोस नहीं डाल रहे थे आप, क्या हुआ आखिर, वेयर हैव यू बीन? एंड द आंसर इज आई हैव बीन एट लंदन टू लुक एट द क्वीन। बता दो मैं कान था क्या है आप लोगों को, वीडियो के एंड तक पूरा मालूम है। उससे पहले देखो मेरा न्यू मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी F51 यहाँ पे है। दिस इज माई न्यू मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी F51, 6GB रैम, 120GB इंटरनल एंड द कलर हो। मस्त है रे, बात करेंगे इसके बारे में भी, पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या है कई को लिया मैं। उससे पहले बता देता हूँ कि मैं इतने से यूट्यूब पे वीडियोस कई को नजर आ रहा था, कई को वाई मिठाई वाला वाई। चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान की लाइफ में भी उतने प्रॉब्लम्स नहीं रहते जितने तुम्हारे भाई की लाइफ में रहते। स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर वन। कुछ दिन पहले मैं प्लानिंग कर रहा था कि कैसे वीडियोस डालना, वीडियो में थोड़ा एंटरटेनमेंट रखना, ऐसा वैसा सब सोच रहा कर रहा था, सब सेट था मसला, सब जैसा सोचो वैसा चल रहा था, सब प्लानिंग के साथ चल रहा था, सब ओके था, लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं थी बोल के मैं समझ रहा था। लेकिन नहीं भाई, प्रॉब्लम नहीं हुए जैसा तो होता ही नहीं। कल रात में मेरा फोन गिरा, खराब हो गया, मैं मेरा चैनल सबकी जिंदगी फोन पे डिपेंड थी। तो अभी आया हूँ दुकान पे, आया है यहाँ पे, हमारे फोन की मरम्मत चल रही है। फिर फोन बना लेके मैं आया घर को और सुकून की सांस लिया के चलो प्रॉब्लम दूर हो गई। मगर एक और प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम नंबर टू। फोन तो ठीक हो गया था मगर कैमरा क्लैरिटी पूरी चली गई, खराब हो गई थी, खत्म, टाटा बाय बाय। कैमरा क्लैरिटी जैसे फोन लेके मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ बोलो मैं। आप लोगों को मालूम है वीडियोस मैं फ़ोन से शूट करता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि क्या करूँ। थोड़े दिन ये चकश मकश में था, अब नया फ़ोन भी ले सकता हूँ, पैसे नहीं है और घर में पूछना दिल नहीं बोल रहा था। फिर जो है फ़ोन एकदम पूरा रुक जा रहा था, फिर कॉल आया बाबा का, बाबा बोले ले लो जी, आप ले लो नया फ़ोन, ले लो, देखो सिलेक्ट करो, अमाउंट बोलो, मैं डाल देता हूँ, आप जाके ले लो। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के जाके रिसर्च करना शुरू करा। ये प्रॉब्लम नंबर थ्री, यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मैं तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे को यहाँ पे बैठ के। मेरे को लेना था फ़ोन, तो मैं देख रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन हर जगह देख रहा हूँ फ़ोन क्या नया है, क्या है, कौन से मोबाइल से। फिर जाके यूट्यूब पे रिव्यूज़ देख रहा हूँ, फिर मेरा दोस्त इरफान भी जो है देख के भी जा रहा कि ये देखिए एक बार चेक करिए, एक बार चेक कर। अब तक एक 25-30 फ़ोन आ तो देख लियो, मगर कौन सा भी पसंद नहीं आया। हर फोन में कुछ ना कुछ कमी रह रही है भाई, एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आ सक रहा हूँ, ऐसा एक सेटिस्फिकेशन नहीं है मेरे को, हाँ चलो ये ओके ये ले लेंगे बोले सका, वैसा नहीं आ रहा। व्हाट टू डू मैन, तो ये दिमाग खराब हो रहा था, कौन सा फोन लेना समझ में नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में फाइनल करा ये फोन, मगर इतना फिरा पूरे नलगुंडे में, सिर्फ दो जगह है, एक जगह तो डेमो पीस है वही निकाल कर देता हूँ बोरा, मतलब जो सबको दिखाने के वास्ते रखते वो है, फिर दूसरी जगह था, तो चलो ओके गए फोन लेने के वास्ते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज मैं ले रहा हूँ नया फ़ोन, बजाज पे गए थे शोरूम पे, फ़ोन तो है लेकिन जो कलर मेरे को होना है वो नहीं मिल रहा, तो वो ढूंढ रहा हूँ। चलो जी, जो कलर होने का था वो कलर मिल गया। यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे फ़ोन है, निसार भाई है, यहाँ पे इरफान है, छोटी छोटी खुशियाँ। You'll see the difference now, if we change it you'll know how. Nothing ever stays the same once you let it. Let it. ये हमारे फोन की अनबॉक्सिंग। ईयरफोन्स निकले, आतिज नजर डाल दिए रे सर भाई। चलो अभी कब तक इसमें देखते, आ जाओ नए फोन पे, नया फोन बताओ क्लैरिटी साउंड क्वालिटी कैसी है। चलो डन,
हैप्पी, ऑल हैप्पी, सो मच हैप्पी। मगर सही बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मेरा जो पुराना फ़ोन था ये सैमसंग गैलेक्सी A30, इसकी बात इसमें नहीं आ रही। क्लैरिटी की बात मैं बोल रहा हूँ किसमें भी नहीं आती। मेरे दोस्त के पास सैमसंग S20 अल्ट्रा है, उससे ही मैं एक बार कंपेयर करके देखा था, उससे अच्छी क्लैरिटी A30 में आ रही थी। ये लेंगे सोचा, मगर ये अभी नहीं आ रहा। मेरे पास पहले सैमसंग J2 था, फिर उसके बाद सैमसंग J6, फिर A30 और अब A51 लिया, मगर सबसे बेस्ट फ़ोन A30। कुछ भी बोलो, A50 का कैमरा भी अच्छा है, मगर A30 के बाद ही ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, मगर क्लैरिटी देख के मेरे को बनाना दिल नहीं बोल रहा था, वो फील नहीं आ रही थी जो मेरे को A30 में आती थी। ये मेरे रूम का विंडो है, मैं हमेशा फ़ोन जो है यहाँ पे रखता हूँ, फिर ये टेबल है, मैं यहाँ पे चेयर लेके बैठता हूँ, आराम से वीडियो बनाता हूँ। मगर अब अगर मैं वीडियो फ़ोन यहाँ रखा तो देखो मेरी फेस कैसा आ रही, किधर से ओरिजिनल दिख रही बोलो। ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी, नहीं तो वीडियोस रुकते नहीं थे, सवाल इसने था, फुल जोश में थे अपन। आजकल इतने महंगे महंगे फोन आ रहे हैं, लोग फोन लेके खुश हो रहे हैं, कैमरा ऑन करते मस्त गोरी पाउडर लगाना दिख रही फेसबुक खुश रहे, मगर भाई ओरिजिनलिटी नहीं है। हर कैमरे में तुम ऑन करो गोरे दिख रहे हैं, मगर थोड़ा ओरिजिनल भी दिखना ना। ऐसी बात नहीं है कि फोन लेके मैं खुश नहीं हूँ, मेरे जगह नहीं है, वो जबरदस्त फोन है, इसका कैमरा भी अच्छा है, खुश हूँ मैं, मगर A30 के बाद कैमरा एक छोड़िए तो जबरदस्त फोन है। मैं इंस्टा पे स्टोरी डाला था कि अभी थोड़ा टाइम लगता, छोटा ब्रेक के साथ ले रहा हूँ, वीडियोज डाले तो थोड़ा टाइम लगता बोल के, और ये भी बोला था कि कम बैक खतरनाक करता हूँ बोल के, दैट्स रियल, मैं बनाता हूँ जबरदस्त वीडियोस है ऑन दी वे, बस तुम ना सपोर्ट करो। कुछ भी नहीं, आप देख रहे हैं तो एक अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दो, सबको बोलो सब्सक्राइब करो बस। चलो अभी नए फोन का रिव्यू करेंगे, मगर थोड़ा अलग, मेरा जो ये पुराना फोन है सैमसंग A30, इससे A51 को कंपेयर करके रिव्यू करेंगे कि कैसा है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है, देखेंगे। नंबर 1 रैम, A30 में 4GB रैम था जो मैं लिया, अब जो लिया ये 6GB रैम, इसमें 8GB रैम भी है A51 में, मगर 6GB मेरे को बस, ये अच्छी बात है। अभी नंबर 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर, A30 को आप लोग देख सकते हैं, इसको पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसको जो है ऑन स्क्रीन स्कैनर है, ये अच्छी बात नहीं है, स्लो वर्क कर रहा है। ये बोल के अब तक जितने भी मोबाइल्स मैं देखा जिसका स्कैनर फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन स्क्रीन है वो थोड़ा स्लो है। अभी नंबर 3 बैटरी, सैमसंग A30 की बात करें तो इसमें थी 4000mAh बैटरी, इसमें भी 4000mAh, मगर इससे कंपेयर करके देखा तो मैं अभी थोड़े दिन से यूज कर रहा हूँ ये मोबाइल, तो A30 से A51 की बैटरी थोड़ा अच्छी है। 21 के लगा रहे हैं जब 5000mAh बैटरी तो देना था इसमें, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। नंबर 4 प्रोसेसर, प्रोसेसर A30 में भी A51 में भी सेम है। नंबर 5 कैमरा, कैमरा तो बोला मैं A30 में अच्छा है, मतलब इससे अच्छा है, इसको अगर बाजू रखेंगे तो इसका कैमरा भी बहुत ज़बरदस्त है। एज अ क्रिएटर बोल रहा हूँ, एक नौजवान बच्चे का देखे तो वो माँ की गिर गिरी गिरा के। इंटरनल स्टोरेज A30 में जो है 64GB इंटरनल स्टोरेज थी, इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज है, नो प्रॉब्लम, फुल वीडियोस। अभी नंबर 7 साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी की बात करें तो, साउंड की बात करें तो A30 से A51 मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसका साउंड भी ज़्यादा है, इसका माइक भी बहुत अच्छा है, आवाज़ बहुत साफ और अच्छा कैच हो रही इसमें। था कंपैरिजन सैमसंग A30 से सैमसंग A51 का, दो भी अच्छे फ़ोन आए अपने जगह, दो में भी कुछ कमियां हैं, मगर दो भी ज़बरदस्त और बेस्ट मोबाइल्स हैं। अगर कोई ले रहे हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ कहीं मिला तो A30 ले लो, बेझिझक ले लो। अभी मैं शूट कर रहा हूँ न्यू मोबाइल में सैमसंग A51 में, अभी आप लोग बताओ कि साउंड क्वालिटी, क्लैरिटी, कैमरा क्लैरिटी कैसा आ रही, साफ आ रही नहीं, अभी बताओ। तो वेल दैट्स इट, ये था आज का वीडियो, फिर बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे देसी। ये पूरा स्टाइल बदल गया थोड़ा, गया पाते। वेल दैट्स इट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे देसी ब्रो।